हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। 21 दिन का लॉकडाउन हो गया है, सबको तो पता ही चल गया होगा। जबलपुर में तो 6 लोगों को कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है और यहाँ तो कर्फ्यू भी लगा हुआ है, बाहर नहीं जा सकते। बहुत इमरजेंसी होती है तभी जा सकते हैं। और घर के हालात तो बहुत बिगड़े हुए हैं, बाइयाँ नहीं आ रही, पूरे दिन काम कर करके हालत ख़राब हो रही है। और घर में सब लोग हैं, बच्चे वगैरह सब घर पर ही हैं, तो दिन भर बस खाना बनाओ, खाओ, बर्तन मांजो, धो, घर की साफ़ सफाई करो, पूरा दिन इसमें लगे लगे बहुत थकान हो जाती, बहुत थक जाते हैं। ऐसा नहीं है, घर के लोग भी हेल्प करते हैं, हस्बैंड लोग तो बहुत हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो भी घर पर ही रहते हैं और उनको भी टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो चलो इसी बहाने घर की हेल्प होती रहती है। ये पीछे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, हर दूसरे तीसरे दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस समय कपड़े वगैरह धोना, सफाई का बहुत ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। इसलिए प्लीज़ गाइज, आप लोग भी बहुत सफाई का ध्यान रखिए। हैंडल वगैरह रहते हैं ना, इसको भी हम लोग हर दूसरे दिन साफ करते हैं। और बाई को तो बिल्कुल सबने, अधिकतर लोगों ने ही मना कर दिया, अब एक दो लोगों के घर आती है, पता नहीं कैसे लोग बुला रहे हैं, लेकिन नहीं बुलाना चाहिए गाई इस समय। तो बिल्कुल ध्यान रखो, कोई भी बाहर का इंसान अंदर नहीं लो घर पर, क्योंकि कहाँ से वो आ रहा है, कहाँ से उसका लिंक जुड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन दिया है तो उसको सब लोगों को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। बस 21 दिन और कुछ दिन की ही बात है, ऐसा रहेंगे ना तो शायद वायरस तो चला ही जाएगा और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। तो चलिए अब मैं किचन में जा रही हूँ, 12 बज गया है और ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, आज ब्रंच होने वाला है। मैं किचन में आ गई हूँ, छोले और अजवाइन वाली पूड़ी बना रही हूँ ब्रंच में। तो चलिए बस यही घर पे चलता रहता है, कहीं मूवी देखते हैं हम लोग, कहीं कुछ कार्ड्स वगैरह खेल लेते हैं, ऊनो खेल लेते हैं, मतलब बस दिन भर ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। क्योंकि घर पर रहकर 24 घंटे घर पर रहना बहुत बड़ी बात है, जो कि सब लोग कर भी रहे हैं। तो शाम को थोड़ा बहुत मैं वॉक कर लेती हूँ क्योंकि कॉलोनी के अंदर ही हम लोग हैं, कॉलोनी के बाहर नहीं जाते हैं, कॉलोनी के अंदर ही वॉक कर लेते हैं। बहुत कम लोग ही बाहर निकलते हैं और निकलते भी तो काफ़ी दूर दूर सब लोग रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब एक दूसरे से बात करने से ही लोग डर रहे हैं कब तक चलेगा। नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है, सब लोग को हैप्पी नवरात्रि। ये त्योहार तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा क्योंकि लोग सब घर के अंदर, इस बार तो कन्या भोज वगैरह भी कुछ नहीं होने वाला है। मतलब हम लोग काफ़ी दूर हो गए, बहुत डिस्टेंस हो गई है लोगों के बीच में। इस समय ना कोई कॉल करता है ना कॉल आता है, मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे जिंदगी थम सी गई है, बस यहीं है हम, इससे आगे नहीं। मतलब घर में हम लोग 4 मेंबर हैं, बस लगता है कि दुनिया में सिर्फ 4 ही मेंबर हैं, ना कोई बाहर दिखता है, ना कोई आता है, ना जाता है, मतलब कुछ भी। मैं कॉलोनी में भी वॉक करती हूँ, बहुत कम लोग दिखते हैं, मतलब कोई कोई तो निकलता भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत वॉक करना भी ज़रूरी है। कब तक घर में ऐसे घुस कर बैठे रहेंगे, थोड़ा बहुत निकल सकते हैं, इतना भी नहीं है। ये कि लोगों से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, दूर से ही हाय हेलो हो जाती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। चलिए मैं जल्दी से, मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, पूरी बना लूँ जल्दी से। बर्तन धोया जा रहा है, डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डोंग, बर्तन धो गाना गाओ बर्तन धो गाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 बर्तन है मेरे पे धो दूंगा सबको मैं आज। गुड, हाँ धो
ये लड्डू खाया जा रहा, मतलब टाइम पास करने के लिए कोई लड्डू खा रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई दूसरों को परेशान कर रहा है और कोई सो भी रहा है। महारानी जी हमारी सो रही हैं, आराम काम, बस दो ही काम बचे हैं। चलो भाई अब ऊनो खेलते हैं, टाइम पास मूंगफली। 2 बजा है अभी, तो सिर्फ 2 बजे मैं ऊनो लेके आई थी। ये रुको यार, मैं पत्ते तो लगा लूं, तुम लोग यार स्टार्ट भी कर दिए। मालूम क्या चल रहा है तुम लोगों ने? कुछ नहीं, तुम किसकी चांस मेरे बाद स्किप हो गई।